मैं बेसिकली रीवा जिले के त्यूनी ग्राम से हूँ, और जैसा कि विदित है कि हमारा गांव पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा है, और हमने शुरुआती दौर से ही शासन और प्रशासन को बहुत नजदीक से देखा है और समझा है। तो उसी शुरुआती दौर ने हमारे अंदर एक स्पार्क पैदा किया कि हमें भी प्रशासन में होना चाहिए, हमें भी बड़े पद पे होना चाहिए। तो वही दौर था, क्योंकि अपने यहाँ एक कहावत है कि क्या कहा कलेक्टर आए अपने बघेली में, तो वो चीजें आपके अंदर एक स्पार्क पैदा करते हैं कि आपको भी कुछ बड़ा करना है और आपको करना चाहिए। और मेरे बाबा जी का स्पेशली इसमें बहुत बड़ा योगदान था कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि आपको बड़े पद पे रहना चाहिए। तो उन्हीं की मेरे ख्याल से इच्छा थी और आशीर्वाद था कि मैं यहाँ पे पहुंचा और आज यहाँ पे। मेरी शुरू की स्कूलिंग 8 क्लास तक की मेरे गाँव के ही स्कूल से हुई थी, और उसके बाद 9वीं से लेके 12वीं तक की स्कूलिंग मेरी भोपाल से हुई, और उसके बाद मेरी जबलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हुआ। 2019 का मैं पास आउट हूँ। कॉलेज से प्लेसमेंट भी था, बट तय ये था कि प्रशासन में जाना है, तो उसके बाद से पीएससी की तैयारी पे लग गए, और 2019 ही मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मैंने मेंस दिया 20, दूसरा अटेम्प्ट था, और ये अभी जो रिजल्ट आया है ये 2021 का आया है, ये मेरा तीसरा प्रयास था, और इस पे मुझे जो है अधीनस्थ लेखा सेवा चयन मिला। देखिए, मैं कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एनरोल्ड नहीं रहा पीएससी के लिए। शुरुआती रुझान ही मेरा इन चीजों पे रहा, तो मेरा सोशल स्टडीज, सोशल साइंस सब्जेक्ट पे मेरा स्ट्रॉन्ग पकड़ रही, तो मैं कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। हाँ, मैंने नोट्स जरूर मंगवाए, नोट्स प्रिंटेड फॉर्म पे मंगवाए मैंने, और मैंने उन नोट्स को पढ़ा, और फिर जहाँ पे दिक्कत गई तो यूट्यूब का सहारा लिया, ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लिया। मेरे ख्याल से अगर आप अनुशासित हैं, नियमित हैं और संयमित हैं, तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत बेटर है। आप उस पे अपने घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और यदि आपके अंदर थोड़ा अनुशासन की कमी है, संयमन की कमी है, कि आपका मन बहक जाता है, तो फिर आपको एक प्रॉपर क्लासरूम की जरूरत है। तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से तैयारी करना चाहेंगे, बट मेरे लिए तो ऑनलाइन ज्यादा सही था। मैंने उसी से चीजों को सोशल मीडिया में देखना क्या चाह रहा है। आप खुद ही अगर इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लीजिए, आपने कोई एक फूड की रील देखी तो लगातार आपको रील फूड की आ रही है, और वहीं पे अगर आपने एक रील जियोग्राफी की देख ली तो आपको अधिकतर रील जियोग्राफी की आ रही है। तो आपके मन का विचार और व्यक्तित्व तय कर रहा है कि आप सोशल मीडिया में देखना क्या चाह रहे हैं। अगर आप डांस और गाना देखना चाह रहे हैं तो सोशल मीडिया आपको वो दिखा रहा है। गलती सोशल मीडिया की नहीं है, गलती हमारी है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। अगर हम अच्छा देखना चाह रहे हैं तो हमें अच्छा दिख रहा है, हमें यूनाइटेड नेशंस की बातें पता चल रही है, हमें हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम की बातें पता चल रही है, हमें पता चल रहा है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का विचार क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनका व्यंजन क्या है। ये तो पता था कि रिजल्ट इस वीक आने वाला है। एक्चुअली मैं तो मैगी बनाने जा रहा था, और मैं उसकी सब्जी कट करके उसको फ्राई कर रहा था, क्योंकि शाम को भूख लगी थी, मैं तो देर से खुल नहीं थी, तो कि मैगी बना के खाते हैं। तो इतने मेरे दोस्त का फोन आ गया कि भाई रिजल्ट आ गया, तो मैगी तो उधर थी, मैं इधर ढूंढने लगा अपना नाम। तो पहले तो मुझे मेरा नाम नहीं मिला, जब मुझे मेरा नाम मिला तो मेरा नाम मुझे मिला कि मेरी वेटिंग में है। फिर मैं उदास था, कुछ देर बैठा था, तो उसके बाद मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने बोला यार भाई मीटिंग में है। बोला अरे नहीं नहीं भाई, और तो देखो तुम्हारा अधीनस्थ लेखा सेवा में चयन है, तुम्हारा लेबर ऑफिसर में मीटिंग है। नला, तो फिर मैंने एक ही पल में खुशी और एक ही पल में गम देखा है। तो पहले रिजल्ट के आधे घंटे मैं दुखी था कि मेरा मीटिंग में है, और जबकि मेरा चयन हो चुका था, और उसके बाद जब पता चला तो वही है। तो एक ही पल में कहते हैं ना, सदी से उसका मजा देखिए, तो मैंने दोनों देखा है। मन में भय तो निश्चित रूप से रहता है, आप सफलता किसी भी पड़ाव पे पहुंच जाए तो आप जब एग्जाम में जाते हो तो भय तो रहता ही है। लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेंस अच्छा था और इंटरव्यू भी मेरा अच्छा था। मैं उम्मीद तो कर रहा था कि मेरी रैंक और अच्छी इंप्रूव रहती, बट इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए, बाकी मेंस में मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो इसलिए जो है थोड़ा वो था। लेकिन मैं पहले से आश्वासित था कि हो जाएगा, क्योंकि आप जब उस चरण पे होते हैं जहाँ पे आप अपने आप में विश्वास से भरे होते हैं, तो आपको लगता है कि चीजें सही है। बट जितना भी आपके अंदर आपने विश्वास हो, तैयारी हो, आपको पूर्ण विश्वास हो, लेकिन डर तो स्वाभाविक है, रहता ही है। पीडीएफ में आपको अपना नाम सर्च करने में आपकी उंगलियां थरथराती हैं, आपकी बीपी 200 पहुंच जाती है, तो वो स्वाभाविक है कि वो तो होगा ही, और जरूरी भी है। अगर ये डर नहीं होगा तो
मेरे नहीं लगता कि आप फिर इंसान है। मैं कभी घड़ी देख के तो नहीं पढ़ा कि मैं कितने घंटे पढ़ा, लेकिन मेरा पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। जरूरी नहीं है कि आप उसको घड़ी देख के पढ़े कि आप 8 घंटे पढ़े कि 18 घंटे पढ़े, जरूरी यह है कि ये ऐसी तैयारी है यूपीएससी और पीएससी की, आपको जहां पे भी है आपको कुछ ना कुछ वहां से ग्रहण ही करना है। आप अगर चाय भी पी रहे हैं तो आपके आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं उससे आपको समाज का स्तर पता चल रहा है, आपको सामाजिक चीज मुद्दे पता चल रहे हैं कि न्यूज में क्या है, करेंट में क्या है, देश कैसे चल रहा है, देश के मुद्दे क्या है। तो हर जगह से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति जो है वो बादल को सिर्फ बादल नहीं देखता है, वो बादल को जब देखता है तो उसके पीछे की प्रोसेस उसको समझ में आती है कि बना कैसे ये बादल, पानी बाष्प बना, बाष्प जाके संघनित हुआ, पानी गिर रहा है, तो वो उस प्रोसेस को देख रहा है। हम सिर्फ सब्जी को सब्जी नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से वाइटमिन है। तो आप हर दौर में पढ़ रहे हैं, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अगर मैं वो देख रहा हूँ तो मुझे ये सिर्फ नहीं कि मैं और आप कनेक्टेड है, इंटरनेट है, इंटरनेट किसने बनाया, कैसे कनेक्टेड है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आप हर जगह अपनी चीजों को देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको घंटे तय करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको अपना पूरा दिन सोते जागते आपको लगातार तैयार रहना पड़ेगा और आपको हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और आप जो है दुनिया से संपर्क काट दीजिए, आप दुनिया से जुड़ के ही परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आप अलगाववाद और अलगाव होके आप इससे सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्टीमेट आपको लोगों से ही डील करना है, ये पब्लिक सर्विस है, आपको लोगों के बीच ही जाना है। और यदि आप शुरू से ही पब्लिक से नहीं डील कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे कोई चिल्ला के बात किया तो आप उसमें झुझला जा रहे हैं, तो आप क्या व्यक्तित्व ही नहीं है उस परीक्षा के लिए जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें अलगाववाद नहीं रखना चाहिए, ना टाइम देखना चाहिए कि आप घड़ी के कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जहां भी हैं आप कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें क्या करना। नहीं, निश्चित रूप से पीएससी क्वालिफाई हुआ है, बट सबकी चाहत होती है डिप्टी कलेक्टर जो भी पीएससी में बैठते हैं, तो अभी मेरा 22 का मेंस, 23 और 24 को ये चीजें लगी हैं, अभी 23 जून को फ्री है, उसके लिए भी तैयारी चल ही रही है, क्योंकि जब तक आप डिप्टी कलेक्टर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको तैयारी पे रहना पड़ता है, तो अभी तो उसी में है। और इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होगा तो सोचा जाएगा कि और क्या करना है, अगर कुछ ऐसे कोर्सेस जो पब्लिक सर्वेंट के लिए जरूरी है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट या समाज को मैनेज करने के जो कोर्सेस हैं सरकार आजकल करवा रही है आईएम से रिलेट करके, तो उन सब चीजों पे भी देखा जा सकता है। और अभी एक जगह सिलेक्शन हो चुका है तो स्थिरता भी आ गई है, मन में इस तरीके का भय नहीं है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीवन में क्या होगा, तो वो जो शून्यवाद के प्रश्न है कि जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे होना है, कहाँ जाएंगे, तो उसका एक अभी मेरे ख्याल से सामयिक पड़ाव आ गया है, लेकिन यात्रा का ठहराव नहीं है, पड़ाव आ गया है, इस पड़ाव से आगे की यात्रा के लिए सामान इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। घर का सपोर्ट तो बहुत था, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के, बिना आप अपने निजी संबंधियों के सपोर्ट के आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली आपको परेशान नहीं कर रही है, आपकी फैमिली आपको कोक नहीं कर रही है कि जॉब करो, ये करो, उनका यही है कि तुम्हारी जो इच्छा है करो, बस अच्छा करो। तो उनका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, पिताजी का, माँ का सपोर्ट, मेरी बुआ जी का सपोर्ट, तो ये सब चीजें थी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई। और तो फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, आपकी फैमिली ही डिसाइड करती है कि आप कहाँ पहुँचोगे, क्योंकि अगर आपकी फैमिली का माहौल ऐसा है कि नहीं नहीं तुम ये करो तुम वो करो, कई सारे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाता है, जैसे भी नीट का रिजल्ट आया, कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत होता है, क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड करने वाले होते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे, वो रॉकेट का थर्स्ट होते हैं, वो रॉकेट का कहा जाए रॉकेट ऊपर जाता है, लेकिन रॉकेट का जो ईंधन होता है वो पेरेंट्स होते हैं, तो उनका बच्चा किस ऊंचाई तक जाएगा इसका निर्धारण पेरेंट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि वही उसका ईंधन है, अगर उनका सोर्स, उनका मोटिवेशनल सोर्स अच्छा है तो बच्चा रॉकेट की तरह चंद्रमा से लेके मार्स तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर वो सोर्स ही खराब है तो फिर दिक्कत चले जाएगी। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स का योगदान बहुत है,
बच्चे का सिलेक्शन हो या ना हो, हमेशा उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप अच्छा करिए, ये नहीं तो अगला प्रयास, अगला नहीं तो अगला प्रयास। और अगर पीएससी नहीं होता है आपका, आईआईटी नीट नहीं होता, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है।